हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वॉल स्टूडेंट्स आई एम योर मैथ टीचर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर एक्सरसाइज फोर आई ऑफ चैप्टर फोर स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फैक्शन किस तरीके से हम फैक्शन का डिवीजन को डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में हम जानेंगे जैसे फर्स्ट है आपका क्वेश्चन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लीकेटिविवर्स आप मल्टीप्लीकेटिविवर्स के बारे में भी अवेयर नहीं होंगे मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स को हम रेसिप्रोकल प्रोकल भी कहते हैं तो फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर हमें जो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स लिखना है जैसे फर्स्ट दिया हुआ है आपका एट इक्वल टू वन एट अब फर्स्ट एट मतलब एट आपका नंबर है उसका हमने मल्टीप्लीकेट इनिवर्स लिखा तो वन अपान एट हो गया कोई भी होल नंबर अगर हमें उसका मल्टीप्लीकेट इनिवर्स या अगर हमें उसका रेशिप बोकर लिखना है तो उसको हम वन अपान में कर देते हैं तो वन की पावर जो भी आपका होल नंबर है तो वहाँ पर अब वन अपान एट अगर सेवन है तो वन अपान सेवन वो टेन है तो वन अपान टेन इस तरीके सेकेंड है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव का वन अपॉन ट्वेंटी फाइव वन अपान एट है तो इसको हम एट अपान वन या एट लिख सकते हैं मीन्स जो अगर हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में ही हैं तो उसको हम न्योमीटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्योमीटर में चेंज कर देते हैं जैसे थ्री अपॉन सेवन का सेवन अपॉन थ्री एलेवन अपॉन सिक्सटीन का सिक्सटीन अपॉन एलेवन तो इस तरीके से आप सारे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं आगे हम देखते हैं डिवाइड करना किस तरीके से हमें डिवाइड करना है अब यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टाइप का डिवीजन है उसमें है कि हमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है तो फ्रैक्शन को होल नंबर से किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो टू अपान थ्री जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन रिप्लेस करना है जो डिवाइड है उसको आपको मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है और फाइव का रेसिप ओकल जो सेकेंड नंबर है हमारा उसका रेसिप ओकल लिखेंगे तो फाइव का रेसिप ओकल वन अपान फाइव टू वन जो टू थ्री फाइव जो फिफ्टीन सेकेंड क्वेश्चन ऐसे है वन अपान एट डिवाइडेड बाई थ्री तो वन अपान एट टू वन अपान एट ही रहेगा थ्री का मल्टीप्लाई डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेस्प ओकल थ्री का रेस्ट्रिप ओकल मीन्स वन अपॉन थ्री तो आंसर हो जाएगा वन वन जा वन और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं थ्री अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई फोर थ्री अपॉन फाइव तो फाइव थ्री अपॉन फाइव ही रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं और फोर का रेसिप वन फोर तो ये आपका हो जाएगा थ्री वन जो थ्री और फाइव फोर जो ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन अपान एट डिवाइड बाई सिक्स तो सेवन अपान एट डिवाइड को मल्टीप्लाई से करेंगे और उसके बाद वन अपान सिक्स तो सेवन वन जो सेवन एट सिक्स जीरो फोर्टी एट तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम जहाँ पर हमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका डिवाइड जहाँ पर हमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है तो फर्स्ट जैसे फ्रैक्शन है वन अपान फाइव डिवाइड बाई थ्री अपान फोर तो फर्स्ट फ्रैक्शन को हमारा जैसा है वन अपान है तो वन अपान जो भी है उसको हम वैसे लेके को उसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है सिर्फ उसके बाद हमें क्या करना है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है वहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेशिप होकल थ्री अपान फोर का रेसिप होकल फोर अपान थ्री आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमिनेटर को न्यूमनेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो फोर वन जा फोर और फाइव थ्री जा फिफ्टीन अगला क्वेश्चन इस तरीके से है थ्री अपान एट डिवाइडेड बाई फाइव अपान नाइन थ्री अपान एट जहाँ पर डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव अपान नाइन का रेसिप होकल नाइन अपान फाइव सो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन एन एट फाइव जो फोर्टी आपको न्योमीटर को न्योमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनीटर से आगे भी इस तरीके से फोर अपान सेवन डिवाइडेड बाई टू अपॉन थ्री फोर अपान सेवन मल डिवाइड को हमने रिप्लेस किया मल्टीप्लाई से और टू अपान थ्री का थ्री अपान टू यहाँ पर सिंपलीफाई हो सकता था इसलिए हमने इसे सिंपलीफाई कर दिया टू वन जो टू 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 जो फोर तो टू थ्री जो सिक्स और सेवन वन जो सेवन फोर्थ क्वेश्चन है सिक्स अपान इलेवन डिवाइडेड बाई फाइव अपॉन सेवन तो सिक्स अपान इलेवन डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेवन अपान फाइव को फाइव फाइव सेवन को सेवन अपान फाइव सिक्स सेवन जो फोर्टी टू इलेवन फाइव जो फिफ्टी फाइव आगे हमें जो क्वेश्चन अभी तो ये हमारा सेकेंड टाइप का डिवाइड था अब यहाँ पर थर्ड टाइप का डिवाइड है जिस जैसे हमें होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो जैसे हमने पीछे बताया था कि जब हमें फ्रैक्शन से होल नंबर को करना था अब यहाँ पर हम कैसे डिवाइड करेंगे तो फोर तो फोर ही रहेगा इसमें हमें कुछ नहीं करना है अब जो सेकंड जहाँ डिवाइड है वहाँ पर मल्टीप्लाई करिए जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेशे प्रोकल वन अपान थ्री का रेशे प्रोकल थ्री अपान वन तो वन की कोई वैल्यू होती नहीं फो थ्री या ट्वेल्व फाइव डिवाइडेड बाई टेन अपॉन इलेवन तो यहाँ पर हम इक्वल टू फाइव टू फाइव ही रहेगा टेन अपॉन इलेवन का इलेवन अपॉन टेन फाइव वन जै फाइव फाइव टू जा टेन तो आंसर हो जाएगा हमारा इलेवन अपॉन टू फिर एट डिवाइडेड बाई फाइव अपॉन थ्री एट मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपान थ्री जहाँ थ्री अपॉन फाइव है वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई से करेंगे और थ्री अपॉन फाइव का फाइव अपॉन थ्री एट फाइव जो फोर्टी अपॉन थ्री क्वेश्चन नंबर फोर है टेन डिवाइडेड बाई फाइव अपॉन एट तो टेन मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपान एट का रिशिप्ट होगा एट अपान फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन एट टू जा सिक्सटीन तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं ठीक है ना ओके